हेलो दोस्तों, मेरा चैनल क्लासरूम दादा सभी को तहे दिल से स्वागत करता है। मेरा चैनल का उद्देश्य है जो करियर लॉन्च जॉब, कौन सा कंपनी का जॉब कैसा है, गवर्नमेंट जॉब होगा तो क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, एज लिमिट क्या है, सैलरी क्या मिलता है, इसका डिटेल्स जानकारी देने का कोशिश करता हूँ। एक इसी चैनल में टेक्निकल के बारे में बताता हूँ, लेबोरेटरी वर्क कैसे होता है, और दूसरा करियर लॉन्चर के बारे में। अभी हम बात कर रहा हूँ करियर लॉन्चर। गवर्नमेंट सभी को जरूरत होता है, कुछ भी हो जाए सभी को जरूरत होता है गवर्नमेंट जॉब। और गवर्नमेंट जॉब में से कुछ टीचर का जॉब मिल जाए सोने पे सुहागा, उससे अच्छा कोई जॉब हो ही नहीं सकता। सिर्फ सिटी का स्कूल हो, रूरल का हो, अर्बन का हो, विलेज का हो, गवर्नमेंट टीचर मतलब एक सुंदर शांति का जॉब है। हर कोई चाहता है एक गवर्नमेंट जॉब में स्कूल टीचर मिल जाए। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है स्कूल टीचर बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, कौन सा कॉलेज में जाके पढ़ाई करना चाहिए, साथ साथ कैसे वो जॉब मिलता है। हर स्टेट में, आज के दिन में हर स्टेट में गवर्नमेंट टीचर का वैकेंसी जबरदस्त निकलते जा रहा है। हर स्टेट में, ऐसा कोई स्टेट नहीं है जिसमें गवर्नमेंट टीचर का वैकेंसी नहीं निकला है, जबरदस्त निकलते जा रहा है। तो उसी बेस को लेके मैं आज बात करूं गवर्नमेंट जॉब। जो स्कूल टीचर आदर्श नहीं है, गवर्नमेंट तो जो बहुत सेक्टर होता है, हमसे बात कर रहा हूँ स्कूल टीचर के बारे में, स्कूल टीचर, गवर्नमेंट स्कूल टीचर के बारे में। गवर्नमेंट स्कूल टीचर होने के लिए क्या क्या जरूरत है, सभी को इच्छा है, सभी पढ़ता है टीचर बनने के लिए। लेकिन इसमें बेसिक, जो इंडिया पे बात करें, बेसिक जो है चार कोर्स किया जाता है स्कूल टीचर बनने के लिए। एक तो आपको 12, 10 प्लस 2, ग्रेजुएशन, मास्टर डिग्री, तो ये तो कॉमन चीज है, उस कॉमन चीज में मैं नहीं जा रहा हूँ। आपका 12 होगा तो भी एलिजिबल है कुछ कुछ टीचर के लिए। आप ग्रेजुएशन है तो कुछ जगह एलिजिबल है। आप मास्टर डिग्री है आपके पास, एमए, एमएससी, एमकॉम, तो भी आप एलिजिबल है। उसके साथ साथ आपको एडिशनल कुछ कोर्स करना होता है। अभी जो प्राइवेट स्कूल का मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैं से बात कर रहा हूं आपका गवर्नमेंट स्कूल टीचर बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए गवर्नमेंट स्कूल टीचर। तो सबसे पहला जो होता है वो है डीएड, डिप्लोमा इन एडुकेशन। उसके बाद डीएलएड, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एडुकेशन। उसके बाद होता है बीएड, बैचलर ऑफ एडुकेशन, एमएड, मास्टर ऑफ एडुकेशन। तो सबसे इसको कैटेगरी में बात करें, तीन स्टेप है हमारे पास, डीएड, डीएलएड, बीएड बा एमएड। एबार आपको चॉइस करना है आपको कौन सा गवर्नमेंट टीचर बनना है। वर्ग वाई, वर्ग बी, वर्ग सी, ए बी सी, हर स्टेट का अलग अलग फंक्शन होता है। दोस्तों, डीएड के लिए मैं कुछ पॉइंट सिलेक्ट कर रहा हूँ, वो स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। डीएड आपने क्वालिफिकेशन करना है 12 करने के बाद, ये 12 पास होता है 50% मार्क के बाद ही आप एलिजिबल हो अप्लाई करने के लिए, और ये आगे का बता दिया। प्री प्राइमरी टीचर मतलब जो एकदम छोटा है, गवर्नमेंट स्कूल में सबसे छोटा क्या होता है, 1 होता है। 1 से लेके आप 5 क्लास तक टीचर बनना है तो आपको डीएड कंपलसरी है। 12 प्लस डीएड प्री प्राइमरी टीचर के लिए। वही हम डीएलएड की बात करें, ये सिर्फ प्राइमरी टीचर मतलब मैक्सिमम 1 से लेके मैक्सिमम 8 क्लास तक वो टीचर बन सकता है डीएलएड करने के बाद। डीएड करने के बाद ओनली प्राइमरी मतलब क्लास 5 तक मैक्सिमम जा सकता है, इससे ज्यादा नहीं। वही हम बीएड बाय एमएड का बात करें, 8 से लेके 12 स्टैंडर्ड तक से किसी स्ट्रीम का बात करें, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, उससे कोई मतलब नहीं है। उसका क्वालिफिकेशन जहां मैच कर जाएगा वहां वो जाके कर सकता है बीएड बाय डीएड, दोनों कर सकता है। उस हिसाब से उसका एलिजिबिलिटी सेट होगा और वो हाई स्कूल, हाई सेकेंडरी स्कूल में जाके टीचर बन सकता है। क्लास का बात करें तो क्लास नर्सरी से 1 से लेके 5 क्लास तक डीएड के लिए है। डीएड के लिए 5 से लेके 8 तक, 1 से लेके 8 तक, जो मिडिल हम बोल रहा हूं मिडिल, वो मिडिल तक जा सकता है डीएड। इसके बाद आपको बीएड बा एमएड करना है
उसको कोई लिमिट नहीं है, क्लास वन से लेके वो क्लास ट्वेल्थ स्टैंडर्ड तक किसी भी स्ट्रीम में वो टीचर बन सकता है। क्वालिफिकेशन बात करें, डीएड बनना है तो आपको 10+2 होना चाहिए, जनरल है तो 50%, ओबीसी एससी एसटी हो तो 45% रिलैक्सेशन है। डीएड करना है तो 10+2+50%, एससी एसटी होगा तो 5%, मतलब 45 मार्क्स है तो आप एलिजिबल हो। और हमें डीएलएड की बात करें, सेम कंडीशन, 50% जनरल के लिए, आदर्श के लिए 45%। अभी आप डीएड और एमएड की बात करें, एमएड तभी होगा जो आपका डीएड कंप्लीट होगा। बीएड करना है तो आपका ग्रेजुएशन में 50% होना चाहिए। आपको बीएड करना है, बीएड करना है तो ग्रेजुएशन में आपका 50% होना चाहिए, ये आपके सामने 50%। रिलैक्सेशन सेम कटरी गवर्नमेंट के लिए होता है, ओबीसी एससी एसटी 45%। एज लिमिट का बात करें, डीएड करना है तो आपको 17 इयर्स कंप्लीट होना चाहिए। आपको डीएड करना है 17 इयर्स कंप्लीट होना चाहिए। आपको डीएलएड करना है 17 इयर्स कंप्लीट होना चाहिए। आपको बीएड करना है 21 ईयर कंप्लीट होना चाहिए। एमएड करना है तो 21+2 23+ होगा तो भी आप एमएड में एडमिशन ले सकते हो। एमएड बैचलर के बाद मास्टर डिग्री का एडुकेशन कोर्स है, इसलिए आपको मिनिमम 23 तो होना ही चाहिए। ड्यूरेशन की बात करें, सभी कोर्स का जो ड्यूरेशन है वो 2 इयर्स 2 इयर्स 2 इयर्स, मास्टर डिग्री 1 इयर्स। आपको डीएड करना है 2 इयर्स, डीएलएड करना है 2 इयर्स, बीएड करना है 2 इयर्स। मैं लास्ट में दोस्तों बताऊंगा जो बेटर कौन सा है, डीएड डीएलएड बीएड बेटर कौन सा है वो मैं बताऊंगा। एंट्रेंस टेस्ट ये तो हो गया, एंट्रेंस एग्जाम क्या होता है? हर स्टेट का दोस्तों एंट्रेंस एग्जाम अलग अलग होता है, एक नहीं होता है। मैं मध्य प्रदेश का बात करूं उसका अलग होगा, वेस्ट बंगाल का बात करूं उसका अलग है, बिहार स्टेट का बात करूं उसका अलग है, राजस्थान स्टेट का बात करूं अलग है, तमिलनाडु स्टेट, हर स्टेट का कुछ कैटेगरी अलग बना हुआ है। ये आपको साइड जो है साइड में जाके आपको देखना पड़ेगा, स्टेट बोर्ड का, हर जिला हर स्टेट का एक स्टेट बोर्ड होता है, एडुकेशन बोर्ड होता है, उस एडुकेशन बोर्ड पे जाके आपको पता करना होगा जी वो सिस्टम क्या है, उस स्टेट का एडुकेशन सिस्टम किस बेस में एडमिशन होता है। मैं सिर्फ एक बता दूं, वो हर स्टेट में लागू नहीं होता, ये मैं कॉमन बात बता रहा हूं। हर स्टेट का एग्जाम है, जो एंट्रेंस एग्जाम है वो अलग अलग कैटेगरी से होता है। जैसे एंट्रेंस एग्जाम सीटीईटी, ये कुछ स्टेट लागू करता है, कुछ स्टेट लागू करना है, ये एक एग्जाम कंपटीशन टेस्ट है। इसके बाद डीईएड, एंट्रेंस डीएड, एंट्रेंस डीएड के थ्रू बहुत स्टेट में एडमिशन होता है। ऐसा ही आपका एलिमेंट्री क्या करना है, एलिमेंट्री एग्जाम करके एंट्रेंस टेस्ट होता है। कभी कभी वो परसेंटेज बेस में जो वैकेंट सीट होता है, जो सीट फिलअप नहीं हुआ, वैकेंट सीट होता है, तो वो ऐसे ही डायरेक्ट भी एडमिशन कई समय हो जाता है, लेकिन उसके लिए प्री डीएलएड एग्जाम करके एक एंट्रेंस टेस्ट होता है, उस अप्लाई करने के बाद आपको एग्जाम देना होगा उस पर। उसके बाद आपको बीएड करना है, सीईटी बा बीएड एंट्रेंस एग्जाम, सीईटी बा बीएड एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू आपको जाना पड़ेगा। भाई दोस्तों, गवर्नमेंट जॉब चाहिए, अच्छा जॉब चाहिए, आपका करियर को मोल्ड करना है तो मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत करना पड़ेगा, कुछ हम लोग बताएं, कुछ आप लोग कोशिश करें, तभी तो सक्सेस होता है। जब मैं पूरा बता दूं तो वो सक्सेस नहीं होता है। खुद के लिए हम आपको गाइडलाइन बता सकता हूं कि इस प्रोसेस में जाने से सक्सेस है, पर आपको पता करना है। सिलेबस की बात करें, सिलेबस कॉमन सिलेबस है, सभी को पता है, डीएड बीएड और एमएड में थोड़ा थोड़ा सा चेंजेस है, बाकी आपको एक एडुकेशन सिस्टम पे पढ़ना है, डीएड करना है, आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पढ़ना है, मैथ्स पढ़ना है, स्कूल में जाके आपको टीचिंग करना है, प्रैक्टिस टीचिंग प्रैक्टिस करना है, साइकोलॉजिकल पढ़ना है, ये सब कॉमन सब्जेक्ट है, सभी चीज में ये पढ़ाया जाता है। आपको डीएड करना है तो भी वही पढ़ाया जाएगा, आपको एमएड करना है, कुछ चीज कॉमन है, कुछ चीज डिफरेंस है, कुछ में जैसे आपको डीएड और बीएड से कंपेयर करें, डीएड का सिलेबस प्री प्राइमरी लेवल तक है, उसमें लिए चाइल्डहुड का एक ऑप्शन आ जाए, छोटा बच्चा है तो चाइल्डहुड को कैसे टीचिंग करा जाए, कैसे नॉलेज दिया जाए उसको बात बात जाए। वही बीएड का बात करें, बीएड जो है हायर मिडिल और हायर के बात करता है,
मिडिल स्कूल और हायर स्कूल की बात करें उसका जो सिलेबस है उससे थोड़ा बेटर होता है। तो ये चीज को बता रहा हूं मैं, जो नॉर्मली एक है जैसा मैथ, ईबीएस, चाइल्डहुड, क्लासरूम, ये डीएलडी का होगा। बीएड का होगा चाइल्डहुड, अंडरस्टैंडिंग, डिसिप्लिन, उसके बाद ड्रामा, क्लासरूम, नॉलेज, मैथ। ये डिफरेंस कैटेगरी क्या होता है ये सिलेबस को थोड़ा देखना पड़ेगा। हमारे पास पूरा सिलेबस नहीं है, थोड़ा थोड़ा पॉइंट मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन सिलेबस जिसको पढ़ना है उसको सिलेबस फॉलो करना ही होगा। जो सिलेबस आपका कोई भी एडुकेशन सिस्टम पे जाइए, चाहे डीएड का हो, डीएलएड का हो, बीएड का हो, उसका डिटेल सिलेबस वहां आपको मिल जाएगा। इसका सैलरी की बात करें, ये जो भी कुछ सैलरी दिख रहा है ये प्राइवेट के लिए नहीं है दोस्तों, सिर्फ गवर्नमेंट टीचरों के लिए है। प्राइवेट इतना सैलरी बहुत कम स्कूल है इंडिया में जो देता है, ऐसा नहीं है ना, इससे भी गवर्नमेंट से भी ज्यादा देता है, लेकिन उसको चांस मिलना ही मुश्किल है और लिमिट भी बहुत कम है दोस्तों। हमें इसलिए सिर्फ गवर्नमेंट टीचर के लिए बात कर रहा हूं। गवर्नमेंट टीचर का जो डीएड का सैलरी है, डीएड है आपके पास कोई गवर्नमेंट टीचर मिल गया आपको, तो अप्रोक्स 20,000 के आसपास उसको सैलरी मिलेगा पर मंथ। वही हम डीएलएड की बात करें, मैं 8 क्लास तक है तो 30,000 के आसपास आपको सैलरी मिलेगा। वही हम बीएड का बात करें, 45 से अप्रोक्स शुरू हो जाता है। ये कुछ क्राइटेरिया है, इसके लिए आपको करना क्या है, जिसमें ये 12 पास है तो उसके लिए दो कैटेगरी है, डीएड और डीएलएड। दोनों में ज्यादा कुछ अंतर नहीं है दोनों में से, तो अपॉर्चुनिटी क्या है, इसमें से ऑप्शन मिल जाता है 1 से लेके 8 तक पढ़ाने का ऑप्शन मिल जाएगा। इसके लिए क्या ऑप्शन है, इसे 1 से लेके 5 तक पढ़ा सकता है। आप बीएड कर लोगे, आपके पास ग्रेजुएशन है, आपके 50% मार्क है, बीएड कर लोगे 1 से लेके 12 तक आपके पास ऑप्शन खुल जाएगा। तो बेटर मेरे को जो लगा है वो है बीएड। बीएड बीएड करने से आपको हर जगह ऑप्शन खुल जाएगा, ए वर्क बी वर्क सी, आप कहां भी उसको अटेम्प्ट कर सकते हो, ट्राई कर सकते हो, गवर्नमेंट का एग्जाम फाइट कर सकते हो। जैसे गवर्नमेंट का एग्जाम फाइट हो जाएगा, आपका इंटरव्यू मॉक टेस्ट होगा, वो मॉक टेस्ट के बाद आपका लिस्ट ओपन हो जाएगा, स्कूल पे जाके ज्वाइन करना है। ये कुछ जानकारी था जो गवर्नमेंट टीचर के लिए, गवर्नमेंट जॉब के लिए। मेरा ये जानकारी आपको अच्छा लगी जरूर कमेंट करके बताइए। धन्यवाद धन्यवाद।